तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अभी इख्तिताम को पहुंची। हज़्ब रिवायत सिर्फ 5 मुसल्लियों पर मुश्तमिल मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी नमाज पर अभी जुमा का इख्तिताम हुआ है मक्का मस्जिद में, क्योंकि तकरीबन ये 12वां 13वां जुमा है। लॉकडाउन से अभी तक ऐसे ही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि 8 जून से मसाजिद को आम कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से, लेकिन मक्का मस्जिद चूँकि बड़ी मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद है, लोगों की यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए गुंजाइश ज़्यादा है। 5-7 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से अभी इस मस्जिद को अवामुन्नास के लिए नहीं खोला गया है जुमे के लिए, जब तक के हालात मामूल पर ना आ जाएँ, क्योंकि कोरोना का मर्ज़ जो है बतदरीज अभी इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, खुसूसन हैदराबाद में इसका इजाफा होता जा रहा है। जब तक ये मर्ज़ ख़त्म नहीं हो जाता, इसकी वबा ख़त्म नहीं हो जाती है, इंशाल्लाह ताला मक्का मस्जिद में ऐसे ही मुख्तसर से मुसल्लियों पर नमाज़ अदा की जाएगी। मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि वह अपने घरों के पास के मसाजिद को तरजीह दें। मक्का मस्जिद में जब तक के दोबारा हुकूमत के अहकाम ना आ जाते हैं, आप मक्का मस्जिद तरफ जुमा की नमाज़ के लिए आने की ज़हमत ना करें, अपने घरों के मसाजिद में पढ़ें, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, अपने आप की और अपने घर वालों की, अपने महल्ले वालों की और अपने आसपास पड़ोस को सबकी हिफाजत करें। खुसूसी हिदायत जो बताया गया है उसके ऊपर अमल करते हुए, क्योंकि जानी मामला है, ये ज़िंदगी का और मौत का मसला है, इसमें हम सबको इसकी एहतियात करना चाहिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की हिफाजत करें, तमाम इंसानियत की हिफाजत करें, और जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस जो मर्ज़ है इस बीमारी को इस दुनिया से जल्द से जल्द इख्तिताम कर दें और तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमाएं। लास्ट टाइम बोले थे साहब एक मीटिंग है, कुछ मीटिंग में कुछ क्या डिस्कस या कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ तय यही हुआ साहब के, मैं भी बताया आपको, जब ये इसके केसेस में कमी नहीं आई, जब कमी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला मुमकिन हो के अगर 2-4 दिनों में कुछ कमी आ जाएगी तो आइंदा जुमा भी इंशाल्लाह इम्कान है अवामुन्नास के लिए जुमा पढ़ने के लिए। हम खुद इंतज़ामिया मक्का मस्जिद का खुद इंतज़ामिया इसके इंतज़ार में है और हुकूमत भी इसके इंतज़ार में है कि जैसे ही ये केसेस हैदराबाद में कम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला सोशल डिस्टेंस के साथ तमाम मुसलमानों के लिए मक्का मस्जिद को जुमा की नमाज़ के लिए आम कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ है हमारी कि अगर आइंदा जुमा भी, अगर जुमा से पहले भी अगर ये केसेस में कमी आ जाती है 2-4 दिन पहले भी, तो इंशाल्लाह ताला आइंदा जुमे से भी इंशाल्लाह ताला ऐलान आ जाएगा कि अवामुन्नास के लिए आम कर दिया जाएगा मस्जिद को, वरना 1-2-3 जुमे में इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये मर्ज़ में कमी आ जाएगी, इसके केसेस में कमी आ जाएगी, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हुकूमत के अहकाम आ जाएंगे और तमाम अवामुन्नास के लिए इसमें जुमा की नमाज़ मक्का मस्जिद में पढ़ने की खुली आम इजाज़त होगी इंशाल्लाह।